ऑटोमेशन भी हो गया, एक्यूरेसी भी हो गए, अब इसकी हाई स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर हम नाप लेते हैं, हाई स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम कितना स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि अब हम ही लोग हैं, हम अपना खाना खाते हैं, हम कितना खा पाएंगे, एक दो रोटी और हमारा पेट फुल हो जाएगा। बट कंप्यूटर में भी तो कुछ होना चाहिए कि कंप्यूटर में हम कितना स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें आपने सुना होगा कि हम कितने भी वर्ड्स लिख लें, कुछ स्टोर करता ही जाता है, करता ही जाता है। बट उसकी भी कोई सीमा होती है। अगर हम कोई वर्ड्स लिखते हैं ये वाला, क्या वो वर्ड को गिनती गिनती करेगा तो उसकी स्टोरेज बहुत जल्दी हो जाएगी। इसमें स्टोरेज करने के लिए इसमें एक संख्या होती है, लिमिट होती है, जिसको हम बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं, जिसे जीरो और एक संख्या होती है। वो पहले इस सारी लैंग्वेज को जीरो और एक में कन्वर्ट करता है और फिर उसको अपने माइक्रोसॉफ्ट क्रिफ्यूजन ये एक टाइप पैटर्न की तरह काम करता है। इसमें हम वर्ड से रिलेटेड काम करते हैं। अगर हमें कोई रिज्यूम बनाना है, कोई पेज कवर बनाना है, कोई बिल बुक बनाना है तो इसमें इजीली बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है। इसमें हम अगर किसी कंपनी में जाते हैं कोई जॉब या फिर किसी भी, तो मैनेजमेंट हम इजीली कर सकते हैं। इसका स्टार्ट बटन, इसका टूल होता है स्टार्ट करने का, फर्स्ट स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है।
स्टार्ट बटन में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 पे क्लिक करना है। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है विंडो प्लस आर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एक्सटेंशन नेम भी होता है जिसे हम .docx कहते हैं। इसमें एक टाइटल बार भी होती है, यह है हमारे प्रोग्राम में। चलो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टाइटल बार होती है, ये हमारे प्रोग्राम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे ऊपर होती है, जिसमें हम अपनी फाइल जिस नेम से सेव करते हैं वो नेम और प्रोग्राम का नेम शो होता है। डिफॉल्ट रूप से हमारे प्रोग्राम का नेम डॉक्यूमेंट वन ही शो होता है। फिर इसमें एक मीनू बार होती है, मीनू बार हमारे टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है। चलो दरबार नहीं ये इसमें काम करने की क्षमता भी बहुत कम थी।